बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जब पाकिस्तान को 301 रन का टारगेट दिया तो शायकीन क्रिकेटर को गुमान था कि क्या इस मैच का नतीजा क्या होगा, मगर यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिम्मेदारी भी उस बल्लेबाज ने उठाई जो कि इमामुल हक के, जिनको शायकीन क्रिकेटर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इमामुल हक पर्ची है, मगर यही पर्ची फिर इन हालात में पाकिस्तान के काम आती है और शायकीन क्रिकेटर जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं उनका सर फख्र से बुलंद कर देते हैं। आपने देख लिया होगा कि दूसरे ओडीआई मैच में किस तरह इमामुल हक ने इंतहाई शानदार और जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। पहले मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे और इमामुल हक ने जिम्मेदारी उठाई थी, जबकि दूसरे ओडीआई मैच में भी इमामुल हक ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ बाबर आजम की बात करें जो कि इमामुल हक के अच्छे दोस्त भी है और टीम के कप्तान भी है, उन्होंने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और 50 प्लस रन बनाए और आउट हो गए, मतलब कि अपनी 50 मुकम्मल की और आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी एक जिम्मेदार बल्लेबाज है मगर बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए और यूँ दूसरे ओडी मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की।